मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मैंने एक कहानी पढ़ी है, एक किताब पढ़ी है, और ये ऐसी कहानी है जो मुझे लगता है हिंदुस्तान में हर एक को पढ़नी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी कहानी है, एक जाति के बारे में ये कहानी है जहाँ पे बहुत अन्याय नाइंसाफ़ी हो रही है, और मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचनी चाहिए। इसलिए मैं चाहूँगा, मैं इस किताब को शुभकामनाएँ देना चाहूँगा कि शर्मिला मैम ने ये किताब लिखी इतनी मेहनत से, और ये किताब छप छुप की है, तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे। क्या लगता है इस बुक से समाज में कितना बदलाव आएगा, इस तरह के टॉपिक पे बुक लिखना? आमतौर पर बहुत कम लोग इन चीज़ों पर ध्यान देते हैं, क्या करेक्ट बदलाव आएगा? हम लोग सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि बदलाव आए, लेकिन एटलीस्ट इतना है कि जब लोगों को पता चले कि ऐसा कुछ हो रहा है जो इतना गलत है और आज की सदी में भी हो रहा है, आज की डेट में हो रहा है, तो फिर मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ा तो बुरा लगेगा। एक तरफ हम क्या बोलते हैं, हम लोग एक तरफ बोलते हैं कि हिंदुस्तान आगे जा रहा है, हिंदुस्तान में ये हो रहा है, वो हो रहा है, बट असली में गांव में आज तक ऐसी चीज़ें हो रही हैं। आप किताब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो मुझे चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये किताब पढ़ें और उन तक ये कहानी पहुँचे, और फिर उम्मीद कर सकते हैं कि बदलाव आएगा। प्रोफेशनल लाइफ में क्या कुछ चल रहा है? प्रोफेशनल लाइफ में अभी मेरा एक प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है अगले 2-3 महीनों में, वेब सीरीज़ प्रोजेक्ट है। त्रिशाला एक लड़की की कहानी है जो जातिवाद का शिकार है। उसके कम्युनिटी में प्रोस्टिट्यूशन ही करना पड़ता है अगर लड़की होके पैदा हो तो। इसमें कोई चॉइस नहीं है औरतों का। अगर आप एक इस कम्युनिटी में अगर लड़की पैदा हुए तो आपको यही करना पड़ता है। आदमी लोग बाहर से शादी करके आते हैं और लड़कियों को, औरतों को यही काम करना पड़ता है। उनके भाई, हस्बैंड उनके लिए दलाली करते हैं। तो ये एक बहुत दर्दनाक कहानी है, लेकिन आज के ज़माने में बहुत ही मतलब बहुत ही ज़ोरों से चल रहा है। नहीं, थॉट नहीं आया, ये कुछ सच्ची घटनाओं पे सच्ची, मैं इंग्लिश में थोड़ा सा बोलूँ, हाँ थोड़ा, ये थोड़ा ट्रू इवेंट्स पे बेस्ड है। मतलब कुछ सच्ची, ये कहानी का बैकग्राउंड सच्चा है, ऐसा हो रहा है, लेकिन कहानी फिक्शनलाइज्ड है। तो कहानी मैंने पूरा कवर किया था, रिसर्च किया था मेरे जर्नलिज्म के डेज पे, तो वो कहानी का सोच वहीं से आया। मैम, देश में महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के हक के लिए बात होती है, क्या लगता है कब बदलाव आएगा? सोच में बदलाव आएगा तो बदलाव ज़रूर आएगा। सोच में बदलाव बहुत ज़रूरी है, महिलाओं को भी अपनी सोच बदल के आगे बढ़ने के लिए बहुत मतलब मोटिवेशन होना चाहिए, इंस्पिरेशन होना चाहिए, और पुरुष भी महिलाओं को उतना ही इज्जत दे जितना वो डिज़र्व करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल ही अलग किस्म की कहानी है, और जैसे कि उन्होंने बताया कि बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स है, और इसमें एक बहुत हिम्मत चाहिए थी ये कहानी लिखने के लिए भी, और एक औरत होकर के औरत की कहानी इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से लिखी है, और एक ऐसी कहानी है कि लोगों ने देखी नहीं है और सोची भी नहीं है। जैसे कि आपने भी पूछा कि आपको आइडिया कैसे है, तो आइडिया है ही नहीं है, तो बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी है। सिंस सच्ची कहानी पे बेस्ड है, हम उसको और भी लोगों तक लेके जाना चाहेंगे। तो हम इसका ऑलरेडी एक वेब सीरीज़ बना रहे हैं, और अगले एक साल के अंदर इंडिया के टॉप फाइव प्लेटफॉर्म किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर ये दर्शित भी होगी ऑडियंस के लिए, सो दैट ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। हो सकता है कि ये किताब गाँव तक ना पहुँचे, बट अगर ये एक वेब सीरीज़ या फिल्म के बतौर बन जाती है तो भारत के हर कोने में जहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अवेलेबल, लोगों के पास मोबाइल भी है, वो देख पाएंगे। पर्पस ये है कि इस कहानी को और ये मुद्दा, प्रॉब्लम का जो है, जहाँ का भी ओरिजिनल मुद्दा, ये हर जगह पहुँचे और लोग एक साथ आएँ, और ऐसे कहीं पर देश के किसी कोने में भी ऐसा और कहीं पर भी रेप्लीकेट हो रहा हो तो उसको जल्दी से जल्दी रोका जाए। ये अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, नोशन प्रेस पे अवेलेबल है, आप इजीली अमेज़ॉन से मंगवा सकते हैं। और ये कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये कहानी बहुत बहुत मतलब ये विषय बहुत ज़रूरी है जानना। और अभी इंग्लिश में लिखी गई है, अभी हमने मैडम से रिक्वेस्ट किया कि इसको और कम से कम कुछ 4-5 जो प्रोमिनेंट भारतीय भाषाएं हैं उसमें भी इनको ट्रांसलेट किया जाए। प्राइमरी मैंने से रिक्वेस्ट किया कि मराठी में, हिंदी में, बंगाली और मलयालम, ये 5 बहुत ही लिटरेरी लैंग्वेजेस हैं इंडिया में, जहाँ पे कि इसको छापा जाए तो शायद पूरा देश कवर हो जाएगा। स्टार्ट 5 लैंग्वेज से करेंगे, उसके बाद शायद ज़रूरत हुई तो और भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेंगे। त्रिशाला, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। देखिए, आज
समाज में तकलीफें इतनी हैं कि हम अगर इस ज़िंदगी में एड्रेस करने की कोशिश भी करें तो सारी चीज़ें अटेंड नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम हर एक कोई एक एक मुहिम उठा लें कि हमें एक चीज़ को लेकर आगे बढ़ना है, वी कैन डू वंडर्स। शर्मिला जी ने ये जो एक अटेम्प्ट किया या इसको एक अंजाम दे पाई इस किताब को लिखने में, मैम अद्भुत काम है ये। ट्रस्ट मी, इट रिक्वायर्स गट्स टू कम फॉरवर्ड एंड टेक सच कॉजेज फॉरवर्ड। समाज से लड़ के झगड़ के आपको कुछ आगे लेके बढ़ना है, कठिनाइयाँ बहुत आती हैं, लेकिन अगर अपन डटे हुए हैं कि हमें कुछ करना ही है, हमें कोई ताकत इसको रोक नहीं सकती है। दिस इज़ व्हाट शर्मिला जी इज़ डूइंग राइट। अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो ये चीज़ मैंने अक्सर कही है कि अगर आवाम तक पहुँचना है तो दो ही जरिए हैं। एक, कोई ना कोई बॉलीवुड का फनकार कोई चीज़ को एड्रेस करे, कुछ बोले। दूसरा, ऊपर वाले का डर। इन चीज़ों का अगर ब्लेंड किया जाए तो आवाम तक ये मैसेज ज़रूर पहुँचता है। अभी आपको उत्पल सर ने, आप जब बात कर रहे थे, उन्होंने एक बहुत बहुत ही खास बात कही कि बहुत लोग हमारे देश में अभी भी शिक्षा पूरे माध्यम से है नहीं, हर वर्ग में है नहीं, अशिक्षित लोग बहुत हैं। तो हम उन तक ये कहानी कैसे पहुँचाएँ कि औरतों का अपना एक हक है, एक राइट है, जिस हक से वो आगे बढ़ सकती हैं, अपनी ज़िंदगी को निभा सकती हैं, जी सकती हैं। तो इसलिए विजुअल मीडियम सिनेमा बहुत ज़रूरी है और बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे देश में, सिनेमा के माध्यम से कोई भी कहानी बताई जाए। एंड दैट्स व्हाट यू आर डूइंग नाउ। आपने अनाउंस करवाया ये भी वेब सीरीज लेके आ रही है, इसके ऊपर गोइंग टू बी क्रेजी। थैंक यू दोस्त। शुभकामनाएं इनको देना चाहूंगी कि इन्होंने वो कर दिया जो इन्हें करना था। हम सब सोचते हैं लेकिन हम कर नहीं पाते हैं। अब मुझे लग रहा है मैं शायद कर पाऊंगी इनको देख के, क्योंकि इन्होंने जिस अपनी शिद्दत के साथ 3-4 महीना मैंने लगातार देखा इनको काम करते हुए, घंटों काम करती थी, तो मुझे लगता है कि पॉसिबल है, तो हम भी कर सकते हैं। मैडम एक्टर हैं, पूछिए कुछ, वुमेन सेंट्रिक कुछ पूछिए उनसे। मैम आप मतलब स्टोरी आपने रीड भी किया, कितना इंस्पायर हुई? मैंने तो स्टोरी अभी तक रीड नहीं की है, लेकिन मुझे आइडिया तो हो गया, क्योंकि इन्होंने जो भी पूरी जो कहानी है, पीछे की कहानी जो बताई, तो आइडिया तो हो गया। और मैंने तो अपनी बात रख दी ऑलरेडी कि इन्हीं सब चीज़ों से जो एक एक स्टेप हम लेते हैं, चाहे किताब हो, चाहे हम कुछ कहे, कुछ लिखे, कुछ गाए, कुछ बताए, बताने की बात को बतानी चाहिए, बात बताने की ज़रूरत है। और हम किस तरह से बताए वो हमें रास्ता निकालना होगा। हर कोई अपना रास्ता निकाल सकता है, लेकिन घर में बैठ के अंदर सिर्फ टीवी देख के और सीरियल्स देख के अगर हम विषय के बारे में सोचे तो कुछ नहीं होगा। तो किसी ना किसी तरह से अपने खुद के एक्सप्रेशन से, अभिव्यक्ति से उस बात को बतानी पड़ेगी। तो मैं लिखती हूँ, गाती हूँ और ऐसे बोल देती हूँ जैसे झट से बोल दिया आज। तो ये जो निडर होने की बात मैं कर रही हूँ, मुझे लगता है निडर होना ज़रूरी है, लेकिन हमारा समाज जो सोसाइटी है ना, वो हमें औरतों को डरा के रखे हैं। बचपन से लेके जब से पैदा होते हैं औरतें अंदर से डरे हुए हैं, और हम बाहर जितना भी एम्पावरमेंट की बात कर ले, लेकिन अंदर से हम डरे हुए हैं, क्योंकि एक थप्पा है कि हमें शादी करके एक परिवार को संभालना है। इसलिए जब मैं निडर होकर बात करती हूँ तो मुझे फिर भी पीछे से आवाज़ें आती हैं कि चुप हो जा। अभी भी मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा ज़्यादा मत बोलना। तो हम एक स्टेप लेते हैं तो पीछे से 10 आवाज़ें आती हैं कि बोलना मत, चुप हो जा। लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगी और मैं भी किताब लिखूंगी। अभी नहीं, अभी उन्होंने खाली बोला ही है। मैडम को मैं अभी डाल के रखती हूँ अपना वो अर्जी, वेब सीरीज बनाए तो मुझे रोल चाहिए। अभी नहीं, हम बताएंगे। मैंने अभी खाली में एक सीरीज किया है अमेजोन में, देखिएगा गिल्टी माइंड्स, जहाँ पे मैंने एक मदर का रोल प्ले किया है, लेस्बियन कपल
एक दो लड़कियों के बीच में जो संपर्क है उसमें एक लड़की की मदर मैं थी, और मुझसे कहा गया, किसी कई लोगों ने मुझसे कहा कि क्या आपको पता है कि आपने यू हैव मेड अ डिफरेंस टू दिस कम्युनिटी। तो मैंने कहा मुझे तो ऐसा लगा नहीं, लेकिन अब मैं सोचूंगी इस बारे में कि क्या मैंने डिफरेंस किया है, क्योंकि जो लाइनें थी उसमें ऐसा कुछ नहीं था, उसमें झगड़ा ही था माँ बेटी के बीच में, लेकिन उस सीन में ऐसा कुछ निकला है जिसके कारण सब लोग मुझसे कह रहे हैं, कई लोगों ने कहा है कि हैव यू रियलाइज दैट यू हैव मेड अ डिफरेंस टू दिस कम्युनिटी, यानी कुछ तो फ़र्क पड़ा है। एक्सेप्टेंस जो है वो एक्सेप्टेंस किस प्रकार में है, पार्टी दे के एक्सेप्टेंस नहीं हो रही है कि चलो चलो हमें दो मेरी लड़की किसी और एक लड़की के साथ शादी कर रही है, बट वो जो साइलेंस में एक्सेप्टेंस है वो, ये सब आजकल वेब सीरीज या किताबें लिखी जा रही है, इससे बहुत फ़र्क पड़ रहा है, धीरे धीरे फ़र्क पड़ रहा है और उम्मीद है पड़ेगा। पूछना, और मेरे भाई हैं पूछिए। जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे त्रिशाला? एक एक काफ़ी पावरफुल थीम है, और एक जिसको मैं बोलूँगा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है, और ये जो जितनी भी लेजिस्लेशन या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, त्रिशाला और उसकी कहानी एक तरीके से दिखा रहा है कि हमारा जुडिशियरी, हमारा लेजिस्लेशन काफ़ी कमज़ोर है, और हमें और मेहनत करना पड़ेगा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं नारी शक्ति को ऊपर लाने के लिए, और नारी का किस तरह से शोषण किया जाता है। त्रिशाला की कहानी से वो चीज़ समाज में सामने आएगा, और दूसरा जो इस तरह के जो प्रथाएं हैं उसको शायद त्रिशाला अपनी कहानी के थ्रू बंद कराने में कुछ काम कर पाए। हम सबको मिलके काम करना पड़ेगा, त्रिशाला ने अपना काम करेगा, आप अपना काम करेंगे, ये जब न्यूज़ लेके आएंगे तो उसी तरीके से एक जागरूकता लाना पड़ेगा, और त्रिशाला इसकी एक शुरुआत है। नहीं, जो शुभेंदु जी जो बोल रहे हैं बहुत बहुत सही सत्य बात है, क्योंकि देखिए जब तक हम एक जागरूकता, एक इस बारे में लोगों को सूचना जब तक नहीं मिलेगी, जब तक वो नहीं जानेंगे कि इस तरह का कुछ शोषण हो रहा है और सदियों से होते जा रहा है, 100 साल पुराना ये एक शोषण चल रहा है औरत पे, तो इसको कहीं रोकने की बहुत ज़रूरत है। और इसको हम किस तरह रोक सकते हैं, वो हम जहाँ पे एक औरत को चॉइस मिले, वो चूज़ करे, आज वो औरत होके पैदा हुई है, लड़की होके पैदा हुई है, तो वो जैसे जैसे बड़े होती है वो चूज़ करे, वो अपना क्या कौन से प्रोफेशन में रहेगी, क्या करेगी क्या नहीं करेगी अपनी लाइफ के बारे में, उसको निश्चय लेना बहुत ज़रूरी है, ना कि उसको बोला जाए कि तुम लड़की हो तो तुमको ऐसे ही जीना पड़ेगा। त्रिशाला वही कहानी है।